knew that Andy Carrick would have just as... विदाई एक शब्द जो कई जज्बातों का रस अकेले समेटे हुए है। किसी के लिए विदाई बुरे वक्त के जाने और अच्छे वक्त के आने का नाम है, तो किसी के लिए विदाई एक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत का नाम है। जब ये विदाई किसी इंसान के नाम के आगे जुड़ जाती है तो सिवाय गम के दूसरा और कोई मंजर आंखों के सामने नहीं आता है। मगर हमारे भारत में हर दिल अजीज खेल क्रिकेट में ये रिवाज थोड़ा अलग है। यहाँ क्रिकेट को अलविदा कहने वाले चहेते सितारे को सर आंखों पर बिठा कर मुस्कुराते हुए दुआओं के साथ अलविदा कहा जाता है। इसलिए हर क्रिकेटर समेत फैंस की भी चाहत होती है कि विश्व क्रिकेट में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को यादगार विदाई मिले। करियर के आखिरी दिनों में कम से कम एक फेयरवेल मैच खेलने का मौका तो जरूर मिले। मगर दोस्तों, फेयरवेल मैच हर महान खिलाड़ी के नसीब में नहीं लिखा होता है। तो चलिए फिर नारा टीवी की खास श्रृंखला ग्रेट प्लेयर्स रिटायर्ड विदाउट फेयरवेल के दूसरे एपिसोड में हम ऐसे ही अन्य टॉप 5 धाकड़ भारतीय खिलाड़ियों का सफर नजदीक से देखेंगे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान क्रिकेट का आसमान अविश्वसनीय कारनामों से रोशन कर दिया, मगर विदाई का ऐलान एक अकेले कमरे में पीटर हैंडल से किया। हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुरेश रैना। जब साल 2005 में रैना ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, तब रैना के रूप में एक परफेक्ट टीम मैन भारतीय क्रिकेट जगत को मिल गया था। जीत और टीम के लिए रैना के कुछ भी कर गुजरने के जज्बे को ही उनके सर्वश्रेष्ठ फील्डर होने की मुख्य वजह गिना गया, क्योंकि युवराज और कैफ के बाद सुरेश रैना ने ही 21वीं सदी में भारतीय फील्डिंग स्तर को अपग्रेड किया था। हालांकि धीमी शुरुआत के बाद साल 2009 से रैना ने अपनी उपयोगिता बल्ले से भी साबित की, और अगले कुछ साल रैना ने युवराज, धोनी और विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय मिडिल ऑर्डर को संभाले रखा। खासकर वनडे में तो रैना ने कई हारी हुई बाजियां भारत की जीत में पलट दी थी। वनडे में रैना के बल्ले से 35.31 की औसत से बनाए गए 5615 रन देते हैं, जबकि रैना तीनों फॉर्मेट्स यानी वनडे, टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। साथ ही रैना के नाम डेब्यू टेस्ट में शतक भी है। मगर इस जादुई करियर के बावजूद रैना की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई सूखी ही रही। रैना ने जब 15 अगस्त 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट से संन्यास की घोषणा की तो उन्हें आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था। हालांकि रैना के चाहने वालों को रैना की आईपीएल से यादगार विदाई की उम्मीद है, मगर सच्चे क्रिकेट फैन को यही अफसोस है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रैना को फेयरवेल का मौका नहीं मिला। इस लिस्ट का अगला नाम है हरभजन सिंह। दोस्तों, भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास को विशेषज्ञ अक्सर 2 भागों में बांटकर देखते हैं, जिसकी धुरी 2001 कोलकाता टेस्ट को माना जाता है, क्योंकि उस जीत ने ही भारत के लड़ने और जीतने की क्षमता से दुनिया को रूबरू करवाया था। उस ऐतिहासिक जीत में लक्ष्मण और द्रविड़ जितना ही योगदान था, टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली हैट्रिक लेने वाले हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह का आधे से ज्यादा करियर कुंबले के सहायक गेंदबाज के रूप में गुजरा, मगर 2008 के बाद जब हरभजन सिंह पर भारतीय स्पिन अटैक की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने अगले 4 साल अपनी स्पिन पर बल्लेबाजों को खूब नचाया। मगर हरभजन की चोट और खराब फॉर्म ने चयनकर्ताओं को एशियन की ओर देखने पर मजबूर किया। इस तरह साल 2016 में यूएई के विरुद्ध हरभजन ने जो T20 मैच खेला था वह आकस्मिक तौर पर उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच साबित हुआ। हालांकि हरभजन ने संन्यास 24 दिसंबर 2021 को लिया। इसका मतलब ये है कि हरभजन अपनी आखिरी इंटरनेशनल अपीयरेंस के कई सालों बाद तक अच्छे दर्जे की क्रिकेट खेलते रहे, मगर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 711 विकेट लेने के बावजूद महान स्पिनरों में से एक हरभजन सिंह को औपचारिक तौर पर आखिरी बार भारतीय जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला, जिसका मलाल हरभजन सिंह को भी है। तीसरे नंबर पर हैं गौतम गंभीर। भारतीय क्रिकेट इतिहास में जब भी बाएं हाथ के कामयाब खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो लिस्ट गौतम गंभीर के बिना अधूरी ही रहेगी, क्योंकि भारत को पिछली ही शताब्दी से बैटिंग पावर हाउस गिना जाता था, मगर भारत को हमेशा एक अच्छी सलामी जोड़ी की तलाश रही, जो खत्म हुई सहवाग और गंभीर की जोड़ी पर। गंभीर सहवाग के लिए एक आइडल पार्टनर थे। शांत और एकाग्र गंभीर ने कई मौके पर भारत को इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें 2007 T20 विश्व कप फाइनल की पारी, 2009 में नेपियर की पारी और 2011 वनडे विश्व कप फाइनल में 97 रनों की पारियां सबसे खास हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि करिश्माई करियर के बावजूद भी गंभीर को विदाई नहीं मिल सकी, जिसके गौतम हकदार थे। गंभीर ने भले ही 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी, मगर चयनकर्ताओं समेत पूरे देश ने उन्हें 2016 में ही रिटायर मान लिया था। गंभीर के साथ क्रिकेट गलियारों की इस बेरुखी की वजह उस वक्त के कप्तान और टीम मैनेजमेंट से टकराव हो या फिर खराब फॉर्म, मगर भारतीय क्रिकेट में गंभीर का अतुलनीय योगदान एक फेयरवेल मैच तो डिजर्व ही करता था।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं युवराज सिंह। दोस्तों, युवराज सिंह इस लिस्ट का सबसे मायूस करने वाला नाम है, क्योंकि जब इस सदी की शुरुआत में फिक्सिंग प्रकरण के बाद भारत में क्रिकेट दम तोड़ रही थी, तो युवराज सिंह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में थे जो दर्शकों को मैदान से जोड़े हुए थे। एक वक्त ऐसा था जब दर्शक युवराज को फील्डिंग पर दौड़ते हुए देखना चाहते थे। दर्शक चाहते थे युवराज के बल्ले से छक्के चौकों की बरसात होती ही रहे, क्योंकि युवराज का बैटिंग स्टाइल ही ऐसा था। वो कुछ मिनट ही पिच पर टिक जाएं तो मैच का रुख पलट देते थे। यही वजह है कि लॉर्ड्स पर भारत की जीत हो, 2007 T20 विश्व कप हो या फिर 2011 वनडे विश्व कप, भारत की हर बड़ी जीत में युवराज का नाम अलग से चमकता नजर आता है। मगर बादशाह की तरह क्रिकेट खेलने वाले युवराज को कैंसर से वापसी के बाद वो मौका और वो भरोसा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसलिए जब युवराज ने जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इस बात का दुख था कि एक आखिरी बार युवराज सिंह को भारतीय जर्सी में नहीं देख पाए। इस तरह बिना यादगार विदाई के ही भारतीय क्रिकेट के युवराज ने भी क्रिकेट से नाता तोड़ लिया। इस लिस्ट में टॉप पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी अब तक भारतीय क्रिकेट इतिहास में हुए सर्वश्रेष्ठ कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, क्योंकि धोनी की कप्तानी में ही भारत नंबर वन टेस्ट टीम बना, न्यूजीलैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज जीता, 2007 T20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत समेत भारतीय टीम ने और भी कई बड़े कारनामे धोनी की कप्तानी में ही किए। इसके अलावा बात करें अगर बल्लेबाज धोनी की, तो विश्व क्रिकेट में उनके मुकाबले कोई नहीं है। इसलिए जब धोनी करियर के आखिरी दौर में थे, तो हर भारतीय फैन की चाहत थी कि धोनी को एक यादगार विदाई मिले। मगर अपने अलग अंदाज और अटल फैसलों से सबको चौंकाने वाले धोनी ने संन्यास के वक्त भी अपने चाहने वालों को स्तब्ध छोड़ दिया, क्योंकि जब 15 अगस्त 2020 को धोनी ने शाम के करीब 7:30 बजे ट्विटर से संन्यास की घोषणा की, तब क्रिकेट गलियारों में धोनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की बात चल रही थी। अगर धोनी ने 2019 विश्व कप फाइनल को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच बना दिया और बिना किसी फेयरवेल मैच के क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, बिना फेयरवेल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महान भारतीय खिलाड़ियों की आज की लिस्ट में इतना ही। अगर इस वीडियो पर भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो जल्द लौटेंगे इस सीरीज का अंतिम भाग लेकर। तब तक आप इस भाग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम जरूर बताएं। साथ ही आपको बताते चलें कि 12 और 13 फरवरी को नारा टीवी के डेडिकेटेड क्रिकेट फेसबुक पेज क्रिक माइंड पर हम दोनों दिन लाइव रहने वाले हैं, क्योंकि इस आईपीएल ऑक्शन नारा टीवी अपने दर्शकों के लिए आसान और स्पेशल ऑक्शन कवरेज लेकर आ रहा है, जहां आप और हम भी जोड़ सकते हैं और क्रिकेट से जुड़ी यादें साझा कर सकते हैं। लाइव सेशन से जुड़ी और जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।